नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, आपके लिए जो मैथ्स एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उस मैथ्स का आपको हर एक टॉपिक हमारे चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो आ जाइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, एज रेशो। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एज रेशो, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयु का अनुपात। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयु का अनुपात या एज रेशो। दोस्तों ये एज रेशो का पार्ट नंबर वन है, आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये पार्ट नंबर वन है। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम फेस करेंगे, सारे के सारे एग्जाम्स में दोस्तों इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है दोस्तों तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक पढ़ लीजिए। उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के जो लिंक हैं दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो पढ़ लीजिए। उसी टॉपिक के बेस पे ये टॉपिक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। इफ एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 25 ईयर एंड देयर एज रेशो इज 3:5:7। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बी और सी का जो एज रेशो दे रखा है दोस्तों वो आपको 3, 5 और 7 दे रखा है। और दोस्तों इन तीनों का जो एवरेज एज है, दोस्तों जो एवरेज एज है वो कितना है, 25 ईयर आपको दिया गया है। कि इन तीनों का जो एवरेज है वो 25 ईयर है, उनका जो रेशो है वो 3:5 और 7 है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है, अगर आपको एवरेज दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एवरेज। अगर आपको एवरेज दिया है तो सबसे पहले आप सम फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको एवरेज दिया है तो आप सम निकाल लेंगे। अगर पहले से ही सम दे रखा है फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सम कैसे निकलेगा, जितने कैंडिडेट हैं आप एवरेज को उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहां पे 3 कैंडिडेट हैं तो आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों जो आपका सम है वो कितना आ जाएगा, 75 ईयर आ जाएगा। अगर यहां पे 4 कैंडिडेट होते तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 होते 5 से कर देते, 2 होते 2 से कर देते। जितने कैंडिडेट हैं एवरेज में उतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सम आ जाएगा। अब देखिए आपके पास सम आ गया 75, इन तीनों का सम 75 है तो आप इन तीनों का सम कर लीजिए। 7 + 5 = 12, 12 + 3 = 15, यानी कि 15 यूनिट जो है दोस्तों वो किसके इक्वल है, 75 ईयर के इक्वल है। अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें तो 15 से 75 को कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 ईयर आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 ईयर है, आपको क्या बताना है, फाइंड एज ऑफ बी। बी का एज आपको बताना दोस्तों, तो बी का एज कितना है देखिए, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5 तो 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5 × 5, यानी दोस्तों 25 ईयर, ये आपका आंसर है। आपको महज इतना सा ध्यान रखना है कि एवरेज दे रखे तो एवरेज से सम आपको सबसे पहले निकालना है। अगर आपके पास सम है तो आप इन सभी का सम कर लेंगे। अगर आपके पास डिफरेंस है तो आप इनका डिफरेंस कर लेंगे। यानी कि जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी दोस्तों वही आपको करना है। नोट करिए फटाफट, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सम ऑफ एजेस ऑफ राम, श्याम, गोपाल एंड मोहन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको 4 कैंडिडेट दे रखे हैं, राम, श्याम, गोपाल एंड मोहन। इनका जो सम है दोस्तों वो कितना गिवन है आपको, सम आपको गिवन है 176 ईयर। 176 ईयर इनका सम दे रखा है एंड देयर एज रेशो इज 3:6:5, 3:2:6:5। देखिए ये आपको रेशो दे रखा है, यहां पे आपको सम दे रखा है। अगर एवरेज होता तो हम सम निकालते, बट ये ऑलरेडी सम दे रखा है तो इनका सम कर लीजिए। 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 5 दोस्तों हो जाएगा 16,
यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल दे रखा दोस्तों, 176 के, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 ईयर, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है आपका 11 ईयर है। आपको बताना फाइंड एज ऑफ गोपाल, गोपाल का एज दोस्तों आपको बताना है, गोपाल का एज कितना है 6 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 11, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 66 ईयर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सम है तो सम कर लेंगे, डिफरेंस है तो डिफरेंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एज रेशियो ऑफ रवि एंड सोहन इज 5:7। देखिए रवि और सोहन का जो एज रेशियो है दोस्तों वो आपको दिया है 5:7। आगे क्या बोला, इफ एज ऑफ सोहन बिकेम 47 ईयर आफ्टर 5 ईयर। दोस्तों जो सोहन है, ध्यान से देखिए, जो सोहन है उसकी एज 5 साल के बाद 47 ईयर होगी। ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला, एज ऑफ सोहन बिकेम 47 ईयर आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद उसकी एज 47 होगी। अब दोस्तों मुझे बताइए, अगर 5 साल के बाद सोहन 47 का होगा तो आज कितने का है, आज तो 42 का है। अरे 5 साल बाद 47 का होगा तो आज कितने का है, 42 का, और रेशो में कितने का है, 7 का। तो सोहन रेशो में 7 का है, जो किसके इक्वल है 42 के। 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी दोस्तों, 6 ईयर के इक्वल आ जाएगी। आपको बताना है देन व्हाट वाज द एज ऑफ रवि बिफोर 3 ईयर, रवि की 3 साल पहले की आयु क्या थी। तो सबसे पहले तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे दोस्तों, ये 30 ईयर आपका कब का आ जाएगा, ये प्रेजेंट एज आ जाएगा। बट आपको 3 साल पहले की बतानी है दोस्तों, 3 साल पहले जाएंगे तो रवि का जो एज है वो कितना आ जाएगा, 27 ईयर। इसमें आपको सम नहीं करना था, इसमें आपको सिर्फ सोहन की एज दे रखी थी, तो हमने सिर्फ सोहन का रेशो ले लिया। सम दिया होता तो सम कर लेते, अकेले सोहन का देखा तो सोहन का ले लिया, ठीक है। 5 साल बाद 47 का होता तो आज 42 का है, 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी, 3 माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 27। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द एज रेशियो ऑफ सीता एंड गीता इज 9:11। देखिए सीता और गीता का जो एज रेशियो है दोस्तों वो कितना दिया गया है, 9:11 दिया गया है। इफ डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 8 ईयर, दोस्तों देखिए इनका जो डिफरेंस है वो आपको 8 ईयर दे रखा है, इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना दे रखा है, 8 ईयर, तो यहां पे डिफरेंस कितना है 2, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2 का वैल्यू कितना है 8 है, और 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 ईयर आ जाएगा। अरे समझ रहे हैं, जब आपको सम दे रखा था तो हमने सम कर लिया था, अब यहां पे डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस कर लेंगे, 2 का वैल्यू 8 ईयर, 1 का वैल्यू 4 ईयर। बताना क्या था आपको, बताना था फाइंड देयर एज रेशो आफ्टर 6 ईयर, 6 साल के बाद उनका एज रेशो क्या होगा। तो पहले तो उनकी एज देखिए दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 36, और 4 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 44, यानी कि ये तो इनकी प्रेजेंट एज है। हमें बताना है 6 साल के बाद रेशो क्या होगा, तो 6 साल के बाद दोस्तों इसकी एज कितनी हो जाएगी 42, और इसकी एज कितनी हो जाएगी 50। रेशो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 21:25, यानी कि 6 साल के बाद उनका जो रेशो होगा दोस्तों वो कितना होगा, 21:25 होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, इस क्वेश्चन में आपको दिया था कि उनका डिफरेंस 8 है, तो हमने डिफरेंस कर लिया, जब सम दे रखा था तो सम कर लिया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फटाफट, इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 12 ईयर अगो रवि इज 15 ईयर यंगर देन मोहन, कि रवि जो है वो मोहन से 15 साल छोटा था। 12 साल पहले रवि जो है वो मोहन से कितना छोटा था, 15 साल छोटा था। तो दोस्तों जो गैप होता है ना एज का, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो 12 साल पहले भी 15 साल छोटा था, वो आज भी 15 साल छोटा है, वो कल भी 15 साल छोटा रहेगा, वो हमेशा उससे 15 साल छोटा ही रहेगा। जैसे मैं मेरे पिताजी से अगर 30 साल छोटा हूं तो मैं हमेशा 30 साल छोटा ही रहूंगा, मैं आज भी 30 साल छोटा हूं, कल भी 30 साल छोटा था, और आने वाले कल को भी 30 साल छोटा रहूंगा। तो यहां पे जो फर्स्ट लाइन आपको दिया गया ना 12 ईयर एगो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि रवि मोहन से कितना छोटा है, 15 साल छोटा है, 15 वर्ष छोटा है, और रवि और मोहन का जो एज रेशो दे रखा है दोस्तों वो आपको दे रखा है 7:10। तो मुझे बताइए फटाफट कि रवि जो है मोहन से कितना छोटा दिख रहा है आपको,
रवि मोहन से कितना छोटा दिख रहा है, 3, और वो किसके इक्वल दिया है 15 ईयर के, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ईयर आ जाएगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 5 ईयर आ गई। बताना क्या है आपको, फाइंड एज ऑफ मोहन, मोहन की एज दोस्तों आपको बतानी है, तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 50 ईयर, यानी कि मोहन का जो एज है वो क्या है 50 ईयर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फटाफट आपके सामने, यहां से टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 ईयर अगो एज रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 3:5, इफ देयर एवरेज एज इज 25 ईयर देन फाइंड एज ऑफ ए। देखिए दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब तक आफ्टर या बिफोर, जब तक आफ्टर या बिफोर या एगो या लेटर, इन वर्ड्स का यूज ना हो, जब तक आपको आफ्टर या बिफोर ना बोला जाए या एगो या लेटर ना बोला जाए, तो तब तक आप उस वैल्यू को कब की मानेंगे, प्रेजेंट की मानेंगे कि वो वैल्यू प्रेजेंट की है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 ईयर अगो, इसने बोल दिया 5 साल पहले, मान लो ये आपका प्रेजेंट है दोस्तों, 5 साल पहले, हम वापिस चले जाते हैं 5 ईयर अगो, 5 साल पहले उनका जो एज रेशियो था दोस्तों, ए रेशियो बी जो था वो कितना था 3:5 दोस्तों, ये बात आपको दिएगी, उनका एज रेशियो जो था वो क्या था 3:5 था। आगे क्या बोला, एंड देयर एवरेज एज इज 25 ईयर। देखो एवरेज एज इज का मतलब अब की, यानी कि जो एवरेज है दोस्तों वो आपको प्रेजेंट की दे रखी है कितनी 25 ईयर। सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपके पास एवरेज है तो आप सम निकाल लेंगे, दोस्तों बताइए फटाफट सम कितना आएगा इनका, सम आएगा 50 ईयर, क्योंकि दो कैंडिडेट है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 आ जाएगा, सम आ गया 50। अब आपको एक काम करना दोस्तों, सम को आप वहीं पे लेके जाओगे जहां का आपके पास रेशियो है, अगर रेशियो आपके पास पहले का है तो सम को भी पहले ले जाओगे, अगर रेशियो बाद का है तो सम को भी बाद में ले जाओगे। हम रेशियो को चेंज नहीं कर सकते लेकिन सम को आगे पीछे कर सकते हैं। हमें कितने साल पहले जाना है, 5 साल पहले जाना है, यानी कि 5 साल कम करने पड़ेंगे। अब एक कैंडिडेट के लिए 5 ईयर लेस करेंगे तो दो कैंडिडेट के लिए कितना कम होगा, 10 साल कम हो जाएंगे, तो यहां से 10 माइनस कर दोगे तो दोस्तों इनका जो सम है वो कितना बचेगा 40 ईयर बचेगा। दो कैंडिडेट तो माइनस 10 हुआ, 3 कैंडिडेट होते माइनस 15 हो जाता, हर एक कैंडिडेट के लिए 5 ईयर माइनस करना है, तो माइनस 10 क्या 40, ये इनका सम है, तो यहां पे सम कर लीजिए 8, 8 का वैल्यू किसके इक्वल है 40 के, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 5 ईयर के, 1 का वैल्यू 5 ईयर आएगा। आपको बताना है फाइंड एज ऑफ ए, तो दोस्तों ए में मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 15 ईयर, लेकिन दोस्तों जो ये 15 आया है ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि इसने बोला फाइंड एज ऑफ ए, इसने ये नहीं बोला कि पहले की बताओ या बाद की बताओ, डायरेक्ट एक बात बोली है कि ए का एज बताओ, जब आपको सीधा सा बोल रखा है कि ए का एज बताओ तो आपको हमेशा कब का बताना होता है, प्रेजेंट का। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आपकी एज बताओ, आपसे मैं सीधा ये बोल दूं कि आपकी एज बताओ, तो आप कब की बताओगे, आज की बताओगे ना, या 5 साल पहले की बताओगे, आज की बताओगे, ठीक है, तो भाई आज की बताओगे तो 15 ईयर इसकी कब की थी, 5 साल पहले की, तो ए का जो प्रेजेंट एज है दोस्तों वो कितना आ जाएगा 20 ईयर, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है 20 ईयर रहेगा। अगर आपको डायरेक्ट पूछ रखा है एज ऑफ ए, तो इसका मतलब यह है कि आपको कब का बताना है, प्रेजेंट ईयर का बताना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सम को वहीं पे ले जाओगे जहां आपके पास रेशो होगा, अगर पहले होगा तो पहले ले जाओगे, बाद में होगा तो बाद में ले जाओगे। देखिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डाउट क्लियर हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, पढ़िए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से पढ़िए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी और डी का दोस्तों सम आपको दे रखा है 68 ईयर, सम आपको दिया है दोस्तों 68 ईयर, ये आपको दिया है। आफ्टर 4 ईयर इफ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, यानी कि दोस्तों ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है दोस्तों, इसने बोला 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर इसने आपको बोला कि उनका जो रेशो है ए का बी का सी का और डी का वो कितना हो जाता है 3:4:2
5, ये रेशो हो जाता है दोस्तों। मैंने आपको भी बताया था कि सम को आप वहीं पे ले जाओगे जहां का आपके पास रेशो है, रेशो है हमारे पास 4 साल बाद का, तो दोस्तों हमें प्लस करना पड़ेगा। हर एक कैंडिडेट के लिए 4 प्लस करेंगे तो कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट है, तो यहां पे प्लस आपको कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। 68 में 16 प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 84 ईयर। यह आ गया आपका सम 84, इनका सम कर लो, 5 प्लस 2 7, 7 एंड 7 14, यानी कि 14 का वैल्यू दोस्तों कितना है 84, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 ईयर आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 6 ईयर। बस आपको इतना सा करना था, आगे आपको बताना है एज ऑफ सी, सी का एज 6 का मल्टीप्लाई 2 में करिए, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, सी का एज कितना आ जाएगा 12, बट सी का एज आपको प्रेजेंट का बताना है दोस्तों, इसने डायरेक्ट आपको बोला है एज ऑफ सी, तो आपको प्रेजेंट में लेके जाना पड़ेगा, ये 4 साल बाद का है तो इसमें से 4 साल कम करोगे तो प्रेजेंट में सी का जो एज है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 8 ईयर आ जाएगा। तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि सम को आप वहीं पे ले जाओगे जहां का आपके पास रेशो है, अगर आपको बाद में जाना है तो प्लस करेंगे, अगर पहले जाना है तो माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा 2 ईयर अगो एवरेज एज ऑफ एक्स वाई जेड 21 ईयर, 2 ईयर अगो यानी कि प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात है दोस्तों, 2 ईयर अगो जो एवरेज था उनका, एवरेज था दोस्तों वो कितना था, एवरेज आपको दिया गया 21 ईयर। तो यहां से फटाफट मुझे बताइए सम कितना आएगा। अब कैंडिडेट कितने हैं, 3 कैंडिडेट हैं, एक्स वाई और जेड, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम आ जाएगा दोस्तों 63 ईयर। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, सम निकाल लिया हमने। इफ रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद दोस्तों उनका जो रेशो है एक्स का वाई का और जेड का वो कितना हो जाएगा, 4:3:5, 4:3:5 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जेड का एज कितना है, जेड का एज क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था कि आप सम को कहां पे ले जाओगे, जहां का आपके पास रेशो है। अब रेशो तो आपके पास यहां का है, कितने साल नीचे जाना, आपको कितने साल आगे जाना है, 2 साल ये और 5 साल ये, टोटल हो गए 7 साल, 7 साल आपको आगे जाना है दोस्तों, 7 ईयर। तो एक कैंडिडेट के लिए 7 ईयर, तो कैंडिडेट कितने हैं, 3 कैंडिडेट है, तो आप कितना प्लस करोगे यहां पे, 21 ईयर प्लस करोगे, 21 प्लस करोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 84, 21 प्लस करोगे तो 84 ईयर आपका समा जाएगा। इनका टोटल कर लीजिए, 4+3 7, 7+5 12, यानी कि 12 का वैल्यू आपको दिया गया 84, तो 1 का वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 7 ईयर आ जाएगा, 1 का वैल्यू 7 ईयर आएगा। आपको बताना है एज ऑफ जेड, तो एज ऑफ जेड 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 20 ईयर, बट ये 20 ईयर कब का आया है, 5 साल बाद का, तो आज कितना आएगा दोस्तों आपका आंसर, 15 ईयर, यानी कि जेड का जो एज है वो कितना आ जाएगा, 15 ईयर आ जाएगा दोस्तों। नोट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, 7 ईयर अगो सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन वाज 36 ईयर, यानी कि प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात है दोस्तों। फादर का और सन का जो सम था वो कितना था दोस्तों, आपको दिया गया है 36 ईयर। मुझे फटाफट बताइए, अगर 7 साल पहले 2 कैंडिडेट का सम 36 था तो आज कितना होगा सम, क्योंकि दोस्तों जो आपको रेशो दे रखा है इसने बोला इफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 टाइम ऑफ सन, कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो सन का 4 टाइम है, यदि सन 1 है तो फादर कितना है दोस्तों, 4 है। आपके पास रेशो प्रेजेंट में है तो आप इसको प्रेजेंट में ले आओगे। आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, एक कैंडिडेट के लिए 7 ईयर, तो कैंडिडेट 2, तो 14 ईयर आपको ऐड करना पड़ेगा, 14 ईयर ऐड करोगे तो आपका सम दोस्तों कितना बन जाएगा, 50 सम बन जाएगा। दोनों का सम कर लीजिए, 5 का वैल्यू किसके इक्वल, 50 के इक्वल, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 ईयर, यानी कि बेटा आपका 10 ईयर का है और फादर आपका 40 ईयर का है। पूछा क्या है दोस्तों, इसने पूछा क्या है, ये पूछा है फाइंड द व्हाट वाज द एज ऑफ फादर एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन, यानी कि बेटे के जन्म के समय पापा की एज कितनी थी, फादर की एज कितनी थी। तो बेटा अगर आज 10 साल का दोस्तों, तो इसका जन्म कब हुआ होगा, 10 साल पहले। अगर जन्म 10 साल पहले हुआ होगा तो फादर की एज अगर
40 है, तो 10 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी, 30, यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का, चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको मैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फटाफट, देखिए अरे सन सम ऑफ एज ऑफ फादर सन एंड डॉटर इज 87 ईयर, यानी कि प्रेजेंट की बात दोस्तों ये कर रहा है कि प्रेजेंट में जो सम है तीनों का वो कितना दोस्तों 87 ईयर आपको दिया गया है। आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद दोस्तों, आफ्टर 4 ईयर, देखिए जब बाद की बात करें आफ्टर की तो नीचे लिखना है, बिफोर की करें तो पहले लिख लेंगे, ठीक है। इसने बोला एज ऑफ फादर बिकम एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस ऑफ सन, यानी कि फादर का जो एज है दोस्तों, फादर का जो एज है वो सन से ट्वाइस है, ये बात इसने बोली। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ सन एंड एज ऑफ सन विल बी 3/2 टाइम्स ऑफ डॉटर। देखिए इस बात को समझिए, एज ऑफ सन, सन का जो एज है वो किसके इक्वल है, 3/2 ऑफ डॉटर। सन का जो एज है वो कितने दोस्तों, 3/2 ऑफ डॉटर। तो यहां से दोस्तों आप बोल सकते हो सन डिवाइड बाय डॉटर किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 के, क्योंकि डी मल्टीप्लाई में सारा के डिवाइड हो जाएगा, और यहीं से सन का और डॉटर का जो रेशियो है दोस्तों वो कितना बन जाएगा, 3:2। यहां से ये बात आपको निकालनी थी कि सन की वैल्यू 3 है तो डॉटर की वैल्यू 2 है, और फादर जो है ट्वाइस है, मतलब कितने का होगा, 6 का। यानी कि यहां से सिर्फ इतना सा आपको देखना था कि सन इज इक्वल टू 3/2 ऑफ डॉटर, तो डॉटर को डिवाइड में लेके आओगे, सन डिवाइड बाय डॉटर इज 3/2, यानी कि सन रेशो डॉटर इज 3:2। आपको यहां से ये बात निकालनी थी, अब सन रेशो डॉटर था 3:2 और फादर क्या था, ट्वाइस था, तो 6 आ जाएगा। अब ये रेशो आ गया, ये रेशो कब का है, 4 साल बाद का, तो आपको एज का सम भी कब का चाहिए, 4 साल बाद का, तो ऐड कितने करोगे आप, 12 ऐड करोगे। 12 क्यों ऐड करोगे, क्योंकि एक कैंडिडेट के लिए 4 ईयर और कैंडिडेट कितने हैं, 3 कैंडिडेट है दोस्तों, तो 12 ईयर प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहां पे आपका सम आ जाएगा 99 ईयर। सम कर लीजिए, 6 + 3 9, 9 + 2 11, यानी कि 11 का वैल्यू 99 है, तो 1 का वैल्यू दोस्तों कितना आएगा, 9 ईयर आएगा। 1 का वैल्यू 9 ईयर है, आपको बताना है एज ऑफ फादर, फादर से मल्टीप्लाई करिए, 9 × 6 कितना आएगा, 54 ईयर, कितना आएगा दोस्तों, 54 ईयर आएगा। लेकिन ये एज कब की आई है, 4 साल बाद की, इसमें से 4 साल माइनस कर दीजिए, यानी कि फादर का जो एज है दोस्तों वो कितना रहेगा, 50 ईयर रहेगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से नोट करिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एज रेशियो के ऊपर, ये पार्ट वन आज हम यहीं पे रोकते हैं, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, एज रेशियो का ही, एज रेशियो का ही दोस्तों हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। कुछ क्वेश्चन और बचते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2-3 टाइप और इसके बचते हैं, 2-3 टाइप हमने आज कर लिए हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 भी आप जरूर देखिएगा, अगर ये दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लेते हैं तो एज रेशो का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। और इससे पहले भी मैं आपको कई सारे टॉपिक करवा चुका हूं, आप हर एक टॉपिक को जाकर देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, ओके बाय, टेक केयर।